केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार को जन्माष्टमी के अवसर पर ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गोपाल मंदिर पहुंचकर मंदिर में पूजा विधि विधान बाद मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए सिंधिया ने कहा कि गोपाल मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वहीं मंदिर के रियासतकालीन आभूषणों को लेकर उन्होंने कहा कि माधव महाराज के समय में मंदिर में भगवान को आभूषण प्रेक्षित किए गए थे और मुझे इस बात की खुशी है कि प्रशासन इस एक लीला को दोबारा से स्थापित कर रहा है। इसके लिए मैं प्रशासन को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। इसी कड़ी में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर उन्होंने कहा कि 28 तारीख को बहुत ऊर्जा होगी। संभाग अग्रसर होने को तत्पर और तैयार है। ग्वालियर का मार्ग प्रशस्त होगा। ग्वालियर से योगेश पिसारिया की रिपोर्ट। मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला, जो माधव महाराज के द्वारा स्थापित फूलबाग में गोपाल मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण की लीला केवल भारत वर्ष पर नहीं, संपूर्ण पृथ्वी पर, इस पृथ्वी का संरक्षण करे और भगवान कृष्ण के दिखाए हुए पथ पर हम लोग सब चलकर अपना कर्म, देश के प्रति अपनी निष्ठावी पथ पर चलकर भारत को भी विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए अपना पूर्ण पूर्ण योगदान दे। जहां कोटेश्वर मंदिर से शुरुआत, दर्शन करके शुरुआत की, गोपाल मंदिर में भी आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोनों सिंधिया परिवार के द्वारा स्थापित मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की इतनी सुंदर मूर्ति, सारे आभूषण भी माधव महाराज के द्वारा दिए गए थे, इतना सुंदर चित्र हमें दिख रहा है। ये सौभाग्य हम सब ग्वालियर वासियों का है।